शंडामर्क जी महाराज ने कहा, महाराज एक अवसर और दे दो, ठीक है ले जाओ मेरे आंखों के सामने से मेरे पुत्र को, इसे तो पुत्र कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। आज लेकर के आए शंडामर्क जी महाराज और हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में बांध करके मैदान में पटक दिया है। और शंडामर्क जी महाराज मार्केट करने के लिए चले गए बाजार। सब ग्वाल वाल सब जितने विद्यार्थी थे प्रहलाद जी महाराज के समकक्ष वह आ गए, तो प्रहलाद जी ने इशारे से बुलाया इधर आओ। सब विद्यार्थी आ गए और प्रहलाद जी कह रहे हैं चलो आज एक नया खेल खेलेंगे। कौन सा नया खेल खेलेंगे? के लुक्का छुपी खेलेंगे, छुपन छाई आसपास यह खेल खेलेंगे। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा ये तो बहुत पुराना है। अरे पुराना तो है पर है तो खेल, ये क्या कौन सा खेल है? ये हम लोगों का खेल है, जीवात्मा परमात्मा के बीच में यह खेल खेला जा रहा है। परमात्मा ने कहा जीवात्मा तुम छुप जाओ, हम तुम्हें एक एक करके ढूंढ करके निकाल निकाल करके पहुंचा देंगे और अब हमारी बारी है उस परमपिता परमात्मा को ढूंढने की। जब इस प्रकार से समझाया तो प्रहलाद जी कह रहे हैं भैया, प्रहलाद जी के मित्र कह रहे हैं प्रहलाद तू ये बातें कहां से सीखता है? तेरे हमारे गुरु जी एक, क्लास एक, फिर भी तू ऐसी बातें कहां से सीखता है? और हमें तो ऐसा बताया जाता है कि यह उम्र तो खूब खेलने कूदने खाने पीने की है, भजन करने की नहीं है, और तू तो इस उम्र में भजन कर रहा है। तो आज प्रहलाद जी कह रहे हैं अच्छा भजन करने की ये उम्र नहीं है तो कब करना चाहिए भजन? कि बुढ़ापे में करना चाहिए। बुढ़ापे में भजन करना भी चाहोगे तो कर नहीं सकते? क्यों नहीं कर सकते? बैठा जाएगा नहीं, पैरों में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। भगवान का भजन करोगे, कहना चाहोगे राम पर निकलेगा आम, तो भजन कहां से करोगे? फिर भी पहला जी कह रहे हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो आज प्रहलाद जी बता रहे हैं तुम्हारी उम्र कितनी है। तो विद्यार्थियों ने कहा हमारी उम्र 100 वर्ष की है। प्रहलाद जी ने कहा लाओ गारंटी वारंटी कार्ड, कहां है तुम्हारी 100 वर्ष की उम्र है? तो क्या वो नहीं है हमारे पास? चलो फिर भी हमने माना तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की है। बड़े ध्यान से सुनना, 100 वर्ष की उम्र है तो 20 वर्ष की उम्र तक तो तुम खूब खेलते हो, कूदते हो, पढ़ाई करते हो। अब 100 में से 20 घटा दो कितनी बच गई? 80। और फिर पहले ये सोचो कि 100 वर्ष हैं, उसमें से एक दिन कितने का होता है? 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन, तो 50 घंटे तो हम 50 साल तो हमने सोकर के ही निकाल दी, 20 खेलने कूदने में निकाल दी, और जो 80 के बाद 20 की हैं, तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दसनम हीनम जातम तुंडम वृद्धो यात ग्रहित्वा दंडम तदपि नमुंचित आशा पिंडम। सिर हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं, 80 के बाद यही तो होता है, कंप वायु में रोग लग जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप हिलते, फिर भी वजन नहीं कर पाओगे। अब कितना बचा? 10 वर्ष। और 10 वर्ष में तुम वजन भी करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 20 साल 25 साल के बाद तुम्हारा विवाह है जाएगा, देवी जी आ जाएंगे, उनके मंत्र कान में सुनाई पड़ेंगे कि सुन रहे हो आज डेंटिंग पेंटिंग के ताई ना है, आज नमक ना है, आज बच्चे की फीस भरनी है, आज हमारे लिए ये लेके आना है, और उसी में लगे रहोगे तो भजन कब करोगे? जिंदगी जब तक रहेगी
फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। उस परमपिता परमात्मा से प्रेम कर लो, उम्र मत देखो कब करना है भजन। विद्यार्थी समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि देखो गुरुजी पढ़ाए तो डर लगता है कहीं डंडा ना मार दे, और अपना ही कोई क्लासमेट समकक्ष पढ़ाए तो निर्भीक होकर के पूछते हैं, जरा मित्र बताइए तो ये सवाल कैसे है, और गुरुजी से डर लगता है पूछने में। दो मित्र हैं, प्रहलाद जी महाराज और प्रहलाद जी के मित्र। तो प्रहलाद जी के अंदर तो विद्यार्थियों के पांच लक्षण हैं। अब विद्यार्थियों के पांच लक्षण कौन कौन जानता है, हाथ ऊपर खड़े करो। कोई नहीं जानता, जय हो भैया। काक चेष्टा वको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम्। काक चेष्टा, काक से समान चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थी की। बको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान होना चाहिए। सरोवर में जाकर के एक प्रेयर पर बैठ जाता है और इतनी निगाह से देखता है कि मछली आते ही उसे पकड़ लेता है मछली को, ऐसा ध्यान होना चाहिए। श्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। आहट सुनो जग जाओ, ऐसा नहीं कुंभकर्ण जैसी नींद हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो फिर भी नहीं जग रहे। अल्पाहारी, कम खाने वाला हो, घरे छह पराठे खा कर जाओ और छह बांध के ले जाओ पढ़वे जा रहे। और गृह त्यागी, और आज विद्यार्थियों के पंच लक्षण बताऊं मैं आपको, बड़े विचित्र है। केश ध्यानम घटिका बांधम, आज विद्यार्थियों लक्षण बढ़िया तो केस हेयर स्टाइल बढ़िया कटवाएंगे, वन साइड टू साइड पता नहीं, बढ़िया सुंदर हाथ में घड़ी, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया इत्र और बढ़िया सूझ, ये पांच चीजों पर ध्यान। और विद्यार्थियों के पांच लक्षण बताऊं, बड़े सुंदर हैं भैया, है ना शिवराज भैया, कौन से हैं सुने। अरे काल पढ़े सो आज पढ़, काल पढ़े सो आज पढ़, बड़ा सुंदर है। काल पढ़े सो आज पढ़, आज पढ़े सो अब फीस डबल हो जाएगी, फिर पढ़ेगा तब। पहला पहला है, काल पढ़े सो आज पढ़, आज पढ़ ले, आज पढ़े सो अब पढ़ ले, और नहीं तो फीस डबल हो जाएगी, फिर पढ़ेगा कब। दूसरा, इस कुल में सुमिरन करे घर में करे न कोई, इस कुल में सुमिरन करे करे न कोई, इस कुल में सुमिरन करे घरे न करे वो कोई, इस कुल में सुमिरन करे घरे न करे कोई। जो घर में सुमिरन करे तो काय को होवे फेर, जो घर में सुमिरन करे तो काय को होवे फेर। स्कूल में जाकर के पेपर देंगे हाई स्कूल के इंटर के, फिर ऊपर ऐसे नेत्र करके पट्टियां गिनते हैं क्या लिखूं, वहां सोचते हैं अगर अगर इसी को घर में तुम पढ़ लेते तो वहां ऐसे नहीं देखना पड़ता, तो फैल नहीं होना पड़ता। पहली घंटी हो गई आने में वो देर, पहली घंटी हो गई वो आने में है देर, आउट सुन चुप रही थी
ठीक समय का फेर आम के चुप रहे ठीक समय का फेर। पहला घंटा तो ऐसे निकल जाता है इधर उधर घूमने में ही देर हो जाती है, शिक्षक भगा देता जाओ यहां से मेरे घंटे के बाद आना, तो सोचने लग जाता है क्या हुआ। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पास भयाना को, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पास हुआ ना को, इनमें कुंजी पड़े पास तुरंत ही हो, इनमें कुंजी पड़े पास तुरंत ही हो। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि पता है कुंजी माने पैसा, और विद्यार्थी का पांचवा लक्षण सुंदर है क्या है, एक भरोसा एक बल, एक भरोसा एक बल, एक भरोसा एक बल, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास, नकल करो हो जाओगे फर्स्ट डिवीजन पास, नकल करो हो जाओगे पास। एक ही आस है एक ही भरोसा है कि बस नकल करेंगे और फर्स्ट डिवीजन बन जाएगी हमारी, इसीलिए पढ़ना भी नहीं है। आज मित्र कह रहे हैं पहला जी हमारा भी खूब नाचने का मन करता है पर तेरे पिताजी से हमें डर लगता है। तो पहला जी कह रहे हैं क्या वो भगवान मेरे घर का है, जो भगवान मेरी रक्षा करे वह भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेगो। जब यह बात कही है तो आज पहला जी के साथ समस्त विद्यार्थी आज संकीर्तन कर उठे हैं। अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,